कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनकी बीवियों को शक होता है कि मेरे हस्बैंड का बाहर कोई अफेयर है, मैसेजिंग पे लग जाता है उनका शौहर जो उसका कहीं अफेयर है किसी के साथ। एक टोटका बता रहा हूँ, ये ट्राई कीजिएगा आपके हस्बैंड का उस खातून के साथ झगड़ा हो जाएगा दोनों में। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट छोटी सी वीडियो है मगर बड़ी काम की वीडियो, इसको शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो खुसूसन मेरी बहनों के लिए है। पाकिस्तान में तो बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल में हम जी रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं आ रही, रोज़गार का मसला है, आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा है, बहुत सारे मसाइल हैं। मगर एक मसला बहुत सारे घरों में है, बहुत सारे घरों में मसला ये, हमारे पास चूँकि लाइव केसेस आते हैं, SMS आता है, WhatsApp आता है, ईमेल आती है, कॉल्स आती हैं, परेशान हैं औरतें, तो वो जो मसला है वो बड़ा अजीब सा है, पता नहीं मैं किस तरह एड्रेस करूँ उसको। आज सुबह मैं एक TV चैनल पे था और इसी किस्म का एक मसला डिस्कस हो रहा था और मुझे नहीं पता वो आप तक वीडियो चैनल की पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, इसलिए मैंने कहा मैं अपनी एक वीडियो आपको भेज दूँ। कुछ मर्द बहुत वफादार होते हैं, एक औरत के साथ सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, उस औरत को इज्जत भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, उससे दोस्ती भी रखते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं और कई बड़े फैसलों में अपनी बीवी को शामिल करते हैं। और कुछ मर्द ऐसे नहीं होते, वो जो आज जो मैंने TV पर प्रोग्राम किया सुबह, आज शाम 6 बजे आएगा, आप देख लीजिएगा मसाला TV, तो वो जो एंकर थी उसने कहा एक मर्तबा बेवफाई हमेशा मर्तबा बेवफाई, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, उसने इंग्लिश में ये कहा था। तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिसके बारे में ख्वातीन को उनकी बीवियों को शक होता है कि मेरे हस्बैंड का बाहर कोई अफेयर है, हो सकता ना हो मगर शक जरूर होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मर्द घर पे आता है थका आ रहा, टाइम नहीं दे सकता, फिर वो अपने मैसेजिंग पे लग जाता है, TikTok देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है, तो बीवी को टाइम नहीं दे पाता, जबकि गलत है, देना चाहिए, बीवी को टाइम देना चाहिए, पूरा दिन वो आपका वेट करती है। तो कुछ तो जेन्युइन रीज़न है कि ये कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ कंपनीज में ऐसे लोग काम करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ शाम को भी मैसेजिंग चल रही है, रात को भी चल रही है, खासकर सेल्स के लोग। मगर कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो मुखलिस नहीं होते, तो इन एनी केस अगर आपको शक है कि आपका शौहर जो उसका कहीं अफेयर है किसी के साथ या सचमुच में है हमें नहीं पता रब जाने, तो एक टोटका बता रहा हूँ। अच्छा, मैं टोटके बताता नहीं हूँ क्योंकि इन चीज़ों को रोकने के लिए, अपने हस्बैंड को अपनी तरफ करने के लिए, हस्बैंड को आपकी तरफ मायल करने के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती, सिल्वा कुंडलनी वगैरह, मगर हर औरत नहीं सीख सकती। एक तो उसके लिए एक थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए, कुछ थोड़ा सा तालीम चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, और फिर हर कोई आ नहीं सकता हमारे पास। तो मैं आपको एक वैसे ही टोटका दे देता हूँ, ये ट्राई कीजिएगा आपके हस्बैंड का उस खातून के साथ अगर कोई चक्कर है तो वो टूट जाएगा, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, टूट जाएगा, झगड़ा हो जाएगा दोनों में। और अगर शक है तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, शक तो शक है, शक के कोई इलाज नहीं है। कोशिश करें अपने हस्बैंड पर शक ना करें, अगर आपके दिल में कोई ऐसी बदगुमानी आती है तो उससे डिस्कस कर लें और उसे कह दें कि जी मैं तो आपकी वफादार हूँ, तो अगर मुझे कोई शक है तो मेरा शक दूर कर दें, मुझे यकीन है कि अच्छा हस्बैंड आपको बिठा के अपनी तरफ से पूरी सफाई पेश करेगा। मगर अगर आपको शक की बीमारी है तो बराए करम मायरे नफ्सियात से रजू करें, बिकॉज शक एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो अब इन एनी केस शक है या नहीं है, सच में है नहीं है, एक टोटका हाजिर है, पूरा मुल्क ही टोटके पे चलता है, मगर क्या करूँ मैं, सब तो नहीं आ सकते मेरे पास। टोटका ये कि जब आपके शौहर के कपड़े वगैरह इस्त्री कर रहे हो, जब वो तैयार हो रहा हो और आपके पास कोई मौका हो तो थोड़ा सा नमक उसकी जेब में डाल दें, अगर कमीज़ में डाल सके थोड़ा सा चुटकी भर नमक, ज़्यादा नहीं चुटकी भर नमक डालें, कमीज़ में डाले, पैंट में डाले, ज़्यादा अगर शलवार कमीज़ पहनता है तो कमीज़ में डालेंगे, अगर पैंट शर्ट पहनता है तो पैंट में डाल सकते हैं। जब आप वो चुटकी भर नमक अपने उंगलियों में लें तो एक लम्हे के लिए गुमान करें कि ये नमक की वजह से अगर ये शख्स मेरे साथ बेवफाई कर रहा है तो उस औरत के साथ उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। ये नियत करें, इंटेंशन करें और वो नमक चुपके से डाल दें। जब वो कपड़ा धुल जाएगा फिर जब दूसरे दिन दूसरा पहने तो उसमें नमक डाल दें। आपके घर में नमक कम नहीं होगा, चुटकी भर नमक डाल लें, ये नहीं कि ज़्यादा नमक डालो तो जल्दी झगड़ा हो जाए, ऐसा मत कीजिएगा, चुटकी भर नमक डालिएगा। नमक का एक कमाल है,
नमक चीजों को सेपरेट करता है और मिठास या मीठी चीज जोड़ती है चीजों को, और नमक सेपरेट करती है। आप दूध में नमक डालें, दूध फट जाएगा, तो वो रिश्ता जो होगा वो टूट जाएगा। अगर है तो, नहीं है तो बिलावजह शक मत करें। घर का सुकून आपकी औलाद के लिए बड़ा ज़रूरी है। औलाद की तरबियत में दोनों का बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। लड़ना भी हो एक कमरे में जाकर लड़ लें, बच्चों के सामने ना लड़ें। अपनी बीवी की इज्जत करें, बीवी आपकी इज्जत करें। याद रहे मैं आज टीवी के प्रोग्राम में कह रहा था, और शाम को 6 बजे होगा, मसाला पे देख लीजिएगा, 6 या 6:30 बजे। एक और बात मैंने कही कि मैंने कहा मोहब्बत ज़रूरी नहीं है, दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोहब्बत का ताल्लुक अगर सिर्फ जज्बात से है तो शादी के कुछ अरसे के बाद वो जज्बात कम हो जाते हैं, मगर दोस्ती कभी कम नहीं होती। और दोस्त हमेशा एक दूसरे से कोई बात छुपाता नहीं है, हर कोई बात शेयर करता है। तो अपने बीवी से, अपने शौहर से आप बराए करम दोस्ती रखें। दुआएं घरों का सुकून आबाद रहे, ताकि हमारी औलाद की तरबियत अच्छी हो। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।